नमस्कार। आज बृहस्पतिवार 6 अगस्त 2020 है और मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। हर रोज की तरह हम आज भी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग या अन्य दूसरे प्रकार की ट्रेडिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी में आज हम क्या ट्रेड कर सकते थे, हमने कल क्या योजना बनाई थी, क्या प्लानिंग की थी आज व्यापार के लिए, और आज मार्केट ने क्या किया, बाजार ने क्या किया और हमने क्या किया। ये तो पहली बात होगी। और दूसरी बात हम सोचेंगे हम कल क्या और प्लान कर रहे हैं, कल हम किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये दो बातें हम करेंगे हर रोज की तरह। हम जो आज का व्यापार था, आज का बाजार था, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि आज जो हो गया उसके सारे ऊंच नीच हमारे सामने है और हम उसको समझ सकते हैं कि हमने क्या सोचा था, बाजार ने क्या किया, हम उसमें क्या करें या क्या कर सकते थे, उसमें समय देना उचित होता है। इसलिए कल हमने सोचा था कि बाजार कल की मंदी के बाद फिर तेजी में जा सकता है और हम दो तरह से खरीदेंगे। एक तो ये कि कोई हल्का सा डिप आ जाए और वहाँ बेस बनाने लगे तो खरीदेंगे, और दूसरा खरीद का तरीका है कि यदि बाजार बहुत बड़े गैप से ना खुले तो फिर हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यानी कि पहले 15 मिनट के हाई के ऊपर खरीदने का मन करेंगे। आज भी हम शॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ये मैंने आपको कहा था कि बाजार चूंकि ट्रेंड कर सकता है आज एक दिन के चौपी मार्केट के बाद, अगर नीचे का ट्रेंड आएगा तो वो भी संभव है, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। ये आप पर, आपकी इच्छा पर है कि आप क्या करें। बाजार तेज खुला, थोड़े गैप के साथ खुला, लेकिन भाग्यवश बहुत 100 पॉइंट के गैप के साथ नहीं खुला, या 15 मिनट बाद वो इतनी बड़ी तेजी नहीं आई। बाजार मामूली गैप के साथ खुला और 15 मिनट के हाई को धीरे धीरे उसने तोड़ दिया, यानी कि 15 मिनट बाद अगले 15 मिनट में हाई टूट गया था। वो करीब करीब 11,160 का स्तर था जहाँ खरीदारी बनती थी और जहाँ हमने खरीदा भी। उसके बाद बाजार लगभग आप समझिए 2 घंटा कुछ नहीं किया, साइडवेज रेंज में रहा, लेकिन जो 15 मिनट का लो था उसके नीचे गए ही नहीं वो, और वहाँ जाने की उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी, यानी कि उसमें कोई मंदी थी नहीं। अब हमारी इच्छा से बाजार चलता नहीं है, यानी हमने खरीद लिया इसलिए अगले 15 मिनट में बाजार भाग जाए, हमको वो सब दे दे जो हम दिन भर में लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खरीद लिया। ऐसा आप जानते हैं मार्केट नहीं करेगा, और मार्केट बाजार है ना हमसे बहुत बड़ा और हमसे बहुत ऊंचा है। अगर हमने 2 घंटा उस साइडवेज रेंज को बर्दाश्त कर लिया या चुपचाप बैठे रहे, और हमको करना चाहिए था क्योंकि निकलने का कोई कारण नहीं था, तो फिर बाजार में लगभग 75 पॉइंट की तेजी उसके बाद आई। यानी कि वो रेंज जब बना तो हम 11,185 पर पहुंच गए थे, हम 60 में प्रवेश किए थे, 25 अंकों का नफा हमको दिख रहा था, लेकिन 25 अंक से ज़्यादा होना चाहिए था, हो गया था। उसके बाद 1 घंटे में लगभग, बल्कि 1 घंटे से आप समझ लीजिए बस, लगभग 1 घंटे में बाजार ने उछाल लगाई और 11,255 तक पहुँच गया फ्यूचर्स। यानी हमने 60 में खरीदा और हमको 95 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था। अब यहाँ मैं रुक जाता हूँ, ये प्रॉफिट तब मिलता है जब हम उस प्रॉफिट को ले लें, नहीं तो नहीं मिलता है। ये हम कभी नहीं जान सकते हैं कि हम टॉप कहाँ बनेगा, हम कहाँ प्रॉफिट लें कि भाई इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। ये जानकारी मुझे आज तक नहीं मिली और मैं सोचता हूँ किसी को नहीं मिलती है। और जो कहते हैं कि उनको मालूम है, गुड फॉर देम, अच्छी बात है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो इसके लिए हमको तरीका अपनाना पड़ता है कि अगर बाजार वापस घूमने लग जाए तो हम कहाँ निकलेंगे, ये जरूरी होता है। ये आपको अपने रास्ते से देखना पड़ेगा। मैं आपके लिए ये बात, ये तरीके नहीं निकाल के बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भाई अगर बाजार सुस्ती दिखाने लगे, यानी 95 पॉइंट की तेजी के बाद अगर वो सुस्ती दिखाने लगे तो हम निकल जाएंगे। इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि जरूरत क्या है, हमको तो जो बाजार मार्केट दे सकता था उससे आज बहुत ज्यादा दे रहा है। हुआ क्या कि मार्केट में 2 प्राइस पैटर्न्स बने। एक तो नैरो रेंज बना 11,250 के आसपास 20 मिनट तक, और उसके बाद मंदी आई और 230 पहुंच गया, यानी कि 255 से 230 का एक लंबा बाद मंदी का बना। अब 230 पर हम ये सोच सकते हैं कि यार फिर ऊपर जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन अगर इस लो के नीचे मार्केट जाएगा तो निकल जाते हैं। लो के नीचे मार्केट गया, हम 230 पर निकल गए, हम 255 पर निकले नहीं, कभी नहीं निकल सकते हैं, टॉप हमको कभी मालूम ही नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रेड बढ़िया हो गया,
और देखते देखते मार्केट ने वहां से 100 पॉइंट, और जहां से निकले वहां से 100 पॉइंट और नीचे की मंदी दिखा दी। चुपचाप मैं तो देखता रहा। अब वैसे भी बृहस्पतिवार है, क्या वॉलेटिलिटी होती है, एफएनओ एक्सपायरी होती है, कुछ समझ नहीं आता है। वहां से वो फिर तेजी में भी गया बाजार, फिर लगभग 11,200 पे जाके बंद भी हुआ। वो सब ड्रामा हो गया, अच्छी बात है। हमने अपना ट्रेड कर लिया और चुप हो गए। हमने अपना ट्रेड इसलिए कर लिया क्योंकि हम कल से ही तैयार थे, अगर मार्केट देगा हमको खरीदने का मौका तो हम उस मौका को लेंगे, उस चांस को ले लेंगे। और ये आपको आदत बनानी पड़ेगी कि निकले कहाँ, पकड़ के रख लेंगे तो उससे इंट्राडे मार्केट में कोई फायदा नहीं होता है, लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि बाजार कई बार बहुत वोलेटाइल होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 10-10 मिनट के प्राइस बार्स एकदम नैरो रेंज में चले गए 255 पर, ये पहली वार्निंग थी। हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने लगे और बड़ा सा एक ब्लैक कैंडल बनाया। अब ये समझ में आ गया कि यहाँ निकलना चाहिए। 230 में, 232 में हम निकल गए थे। ये तो कल की बात हो गई, सॉरी आज की बात हो गई। कल के लिए रुख नहीं है। ऐसा भी होता है कि रुख नहीं होता है। एक तो है ना, शुक्रवार को ऐसी ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि बृहस्पतिवार को बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो शुक्रवार को कई बार समझ में ही नहीं आता है कि यार इस वॉलेटिलिटी के बाद बाजार कहाँ जाएगा। ये प्रॉब्लम तब से शुरू, प्रॉब्लम नहीं है, ये कहानी तब से शुरू हुई है जब से हमने वीकली ऑप्शन शुरू किए। वैसे मैं आपको बताऊँ कि वीकली ऑप्शन में मुझे बहुत मजा आता है, मैं काफ़ी ट्रेडिंग करता हूँ इसमें। दूसरी बात क्या है कि 2 बार हो गया, हम 11,300 के आसपास पहुंचे पहले, फिर बीच में, और ये आज तीसरी बार, और वहां रुक नहीं पाए। ये ठीक है कि हम वापस 11,200 आज पहुंच गए, लेकिन वहां से हमने काफ़ी अच्छी मंदी भी देखी, कल भी मंदी देखी। तो हो सकता है कि इट्स अ चांस, एक चांस की बात हो सकती है, संयोग हो सकता है, इसका कोई मतलब ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, विदेशी बाजार, यूरोपियन बाजार मंदी में है। अब देखें अमेरिका कहाँ, अमेरिका तो हमें हमेशा ही तेजी में रहता है, पर अगर वो बड़ी तेजी में नहीं आया, थोड़ा भी मायूस रह गया, तो हो सकता है हमारे यहाँ है ना चौपी मार्केट हो, या कल हल्की मंदी का भी आसार हो जाए। सारी न्यूज आ गई है, तो कल का रुख है नहीं, कल का तेजी का रुख नहीं है, यानी मैं खरीदने का बहुत इच्छुक नहीं होकर, कल कोई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिल गया, कोई कारण हो गया, तो भी मैं सोचता हूँ मैं नहीं खरीदूंगा। कल एक ऐसा दिन है जब शायद हम कोई बेचने का रुख करें। आप समझिए कि जब हम बेचते हैं तो वॉल्यूम बहुत कम कर देते हैं और हर समय घबराते रहते हैं, लेकिन कभी कभी शॉर्ट होते हैं। सबसे सीधा तरीका शॉर्ट होने का है, 15 मिनट का लो अगर टूटने लगे तो बेच लो, नहीं तो आराम से कल दिन भर बाजार को देखेंगे। ये भी है कि कल सुबह होते होते ये विचार बदल जाए, पर अभी तो यही है। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस वीडियो को देखते हैं, फिर जवाब, फिर कुछ लिखते भी हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मैं इसी तरह से आपके संपर्क में रहूं। कल के लिए अच्छा व्यापार हो आपका, बधाई हो, जय हिंद।